इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषा में आपने अडानी और अंबानी का नाम कभी नहीं सुना होगा, तो आज सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जहां पर उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पहली बार उन्होंने अपने किसी सार्वजनिक भाषण में अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए लोगों से देखे हैं, तो सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को लेकर और कांग्रेस पर किस तरह से हमला बोला है। सबसे पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी इस बयान पर रिप्लाई सामने आया, उसे भी मैं आपको इसमें सुनाऊंगा। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया जरूर। दाल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराज, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अडानी और अंबानी से टेम्पो भर भर के पैसा लेती है। अब इसी के बीच ये बयान जैसे ही सामने आया उसके बाद राहुल गांधी भी कहाँ रुकने वाले हैं, जो अपने हर रैली में अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हैं। उसके बाद राहुल गांधी का भी इस मोदी के बयान पर उनका रिप्लाई सामने आया, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है, मैंने आपको कल शॉर्ट के माध्यम से भी बताया था। फिर से एक बार देखिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान के अडानी अंबानी वाले बयान के सामने आने के बाद किस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी से जवाब मांगा है उनको और रिप्लाई दिया है, तो सुनिए राहुल गांधी को। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ED को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे।